ओम नमः शिवाय। मित्रों सबसे पहले भस्त्रिका कर लेते हैं। मित्रों भस्त्रिका हो गई, अब हम प्रणव मंत्र ओमकार का जाप करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 20 मिनट तक, जब तक सूर्यदेव नहीं आ जाते हैं। ठीक है, वो मित्रों अब हम 30 मिनट के लिए आज्ञा चक्र पर अंतर्मुखी त्राटक करेंगे। मित्रों 30 मिनट हमने आज्ञा चक्र पर अंतर्मुखी त्राटक किया, अब हम 30 मिनट माला जप करेंगे। ठीक है, मित्रों हमारी माला जप हो गई है और एक विचार मेरे मन में आया जो आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। मित्रों हम सब अकेले आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं, और जीवन में जितने भी गहरे अनुभव होते हैं ना, वो हमेशा एकांत में और स्वयं के साथ ही होते हैं। कभी भी पूरा मोहल्ला है ना, ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। या कि कहीं आपने सुना ऐसा कि यार पूरा गांव जो था वो ज्ञानी हो गया, पूरे गांव के सारे लोग एक साथ ज्ञानी हो गए, किसी गली में रहने वाले 50 लोग एक साथ सिद्ध हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ ना कभी ऐसा होगा। मित्रों आध्यात्मिक यात्रा पे करोड़ों में से हजारों चलते हैं, हजारों में से कोई एक पहुँचता है, लेकिन कम से कम हम उन हजार लोगों में से तो शामिल हों कि हम यात्रा शुरू करें। हमारा जीवन सिर्फ आहार निंद्रा च भय मैथुन, खाना पीना सोना अपना बचाव करना और भोग में डूबे रहना, इसके लिए थोड़ा मिला है, ये तो पशु भी कर रहे हैं। पांच चीज़ें पशु जो कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पांच ही चीज़ों में फंसे रहे तो फिर हम भी पशु ही हैं। छठी चीज़ और है जो सिर्फ हम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, किसी का भला भी कर सकते हैं, किसी का बुरा भी कर सकते हैं, सब कुछ हमारे बस में है। अब अगर शेर किसी को फाड़ के खाता है ना, तो उसका कोई कर्म नहीं बनता है, क्योंकि शेर को बनाया ही ऐसा गया है, वो सेगमेंट ही ऐसा है कि वो किसी को फाड़ के खाएगा, तो उसके कर्म का कोई बंधन नहीं बनता है। लेकिन मनुष्य अगर ऐसा करेगा तो उसके बंधन बिल्कुल बनेगा, क्योंकि उसके पास विवेक है, वो चाहे तो फाड़े वो चाहे तो नहीं फाड़े, वो चाहे तो अच्छा करे वो चाहे तो बुरा करे, ये सारी संभावनाएँ हम लेके पैदा हुए हैं, इस कारण हमारी जिम्मेदारी बहुत बन जाती है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और हर चीज़ के प्रति हम ही जिम्मेदार हैं, हमारे कर्मों के प्रति हम जिम्मेदार हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम चाहें तो अच्छा करें, हम चाहें तो बुरा करें, हम चाहें जो करें। इसलिए मित्रों मैं बार बार कहता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं आपको नहीं कहता हूँ, मैं खुद को ही रिपीट करके समझाता हूँ कि अपने कर्मों के प्रति सावधान, जो पीछे किया वो किया कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब सावधान होके चलो, बहुत बुरा समय इस पृथ्वी पे आने वाला है, बहुत बुरा समय बहुत नज़दीक है, कलयुग बहुत चरम पे चल रहा है। अभी हमारे भीलवाड़ा में कल एक मर्डर हुआ 16 साल के बच्चे का, और जिस बंदे ने उसका मर्डर किया ना, जैसे कोई किसी पे पंचिंग बैग पे घूसे मारता है ना, उस तरह से उसने चाकू उसके ताबड़तोड़ उसके शरीर पे वार किए, उसने उसके शरीर पे ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए, और चाकू उसके दिल में घुस गया और दिल को फाड़ दिया, और उसके पिताजी बीच बचाव में आए तो उसने उसके पिताजी पे भी वार किया। तो इस तरह के राक्षसी प्रवृत्ति के कलयुगी जीव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ईश्वर अब धरती पे, मैं कह रहा हूँ ना आपको, बहुत भयंकर
तरीके की त्रासदियां मनुष्य झेलने वाला है, आप देखते जाओ। मुझे पहले भी ऐसा महसूस होता था, मुझे अभी भी ऐसा महसूस होता है, कितने तरह के आपदाएं मनुष्य बुला रहा है अपने कर्मों से। तीन तरह के दुख बताए गए हैं, अधिदैविक, अधिआत्मिक, अधिभौतिक। अधिदैविक दुख जो है ना मित्रों, वो पूरी प्रजा पे आता है। जब किसी देश की प्रजा बहुत भयंकर तरीके से पाप में लिप्त हो, तो फिर बाद में वहाँ पर भयंकर भूकंप आते हैं, वहाँ पर बाढ़ आ सकती है, वहाँ पर सूखा हो सकता है, वहाँ पर युद्ध छिड़ सकता है और बहुत से लोग वहाँ पर मरेंगे। ये हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। मैंने भविष्यमल्लिका पुराण भी पढ़ा है, उसके हिसाब से भी और मेरा खुद का इंट्यूशन भी ये कहता है कि जिस हिसाब से मनुष्य जा रहा है ना, बहुत भयंकर त्रासदियाँ आने वाली है निकट भविष्य में। ज़्यादा समय नहीं रहा है, इसलिए आप सब छोड़ो, भजन में लग जाओ, ध्यान में लग जाओ और अपने कर्मों को सुधारो। आज और अभी से सही मार्ग पर लग जाओ, वरना बहुत बुरा समय नज़दीक है। खंड प्रलय हो रहा है अभी, आप देखो, अभी परसों तरसों की बात है, दुबई में बहुत भयंकर बारिश आई, बहुत भयंकर बारिश आई और बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई वहाँ। तो ये सब संकेत हैं दोस्तों। और दिल्ली आपको पता है इतनी बार थरा गई है बीच बीच में, और अभी तुर्की में भूकंप आया था, इसराइल और फिलिस्तीन अभी लड़ी रहे हैं, वहाँ पर हज़ारों लोग मर रहे हैं। तो ये सब संकेत हैं, रूस और यूक्रेन कब से लड़ी रहे हैं, तो ये सब संकेत हैं मित्रों। तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और ये जो हमारी लाइफ है ना, जिसको हम समझ रहे हैं बड़ी स्टेबल हो गई है, आराम से हमारा ज़िंदगी में ठहराव आ गया है, नहीं, कुछ भी भरोसा नहीं है। बहुत बुरा समय नज़दीक है, आप मेरी बात को समझो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो थोड़ा भविष्यमल्लिका पढ़ो, भविष्यमल्लिका के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है, और वो जो जो भविष्यवाणियाँ उसमें की गई है, बहुत सारी चीज़ें अभी घटित हो रही है और आगे भी जो उसमें लिखा हुआ ना, वो घटित होगा। क्योंकि इंसान रुक नहीं रहा है, इंसान सिर्फ और सिर्फ अधर्म किया जा रहा है और सिर्फ पाप में प्रवृत्त है। उसकी बुद्धि जरा सी भी दया में और धर्म में स्थित नहीं है, इसलिए वो बहुत कुछ झेलेगा। तो अपने आप को अगर इन चीज़ों से बचाना चाहते हो तो बस एक ही रास्ता है, भजन में लग जाओ। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, हे मूढ़ गोविंद का भजन करो। अंत समय में व्याकरण की रटन तुम्हारे काम नहीं आएगी, जितना भी किताबी ज्ञान है वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भजन तुम्हारे काम आएगा। तो मित्रों, अब हम सवासन में लेटते हैं। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत पुस्तक के आज हम 36वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। तो इसको हम पढ़ेंगे आज, तो आज हम ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, एक अजीब सी घटना घटी है, देखो क्या हुआ है। मुझे लगता है गिलहरी जो है ना, हमारी एक जुलाब लेके चली गई, हमारा एक सॉक्स गायब है। मैंने दोनों उतारे थे लेकिन एक नहीं है, एक ही है। अभी ढूंढना पड़ेगा, यहाँ आसपास होगा, अगर छोड़ दिया होगा तो, नहीं तो हमारा मोजा घूम गया है, गिलहरी लेके चली गई, इधर तो दिख नहीं रहा है। चलो ढूंढता हूँ मैं एक बार। मित्रों, मोजे को ढूंढने का हमने प्रयास किया लेकिन हमें मिला नहीं, वो हमारे प्रयास में असफल रहे, मोजा गिलहरी कहीं लेके चली गई है। तो अब हम आज बिना मोजे के चलेंगे, एक मोजा है इसको डाल देते हैं साइड में और बिना मोजे के जूते पहन लेते हैं। मित्रों, आज योगी कथा अमृत में हमने पढ़ा, जब योगानंद जी ने अपने गुरुदेव से पूछा एक बार कि आपको कभी बाबा जी के दर्शन नहीं हुए क्या, मृत्युंजय बाबा के दर्शन आपको नहीं हुए क्या। तो जब उन्होंने ऐसा पूछा तो युक्तेश्वर गिरी जी मुस्कुराने लग गए। मित्रों, 1894 की जनवरी के अंदर प्रयागराज में जो कुंभ मेला भरा, उसके अंदर युक्तेश्वर गिरी जी की पहली मुलाकात महावतार बाबा से हुई उस कुंभ मेले में। तब तक वो स्वामी नहीं बने थे लेकिन उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा ले ली थी लाइडी महाशय से, लेकिन वो स्वामी वाली उपाधि पर, लेकिन स्वामी वाली उपाधि उनको नहीं मिली थी, यानी संन्यास दीक्षा जो है उनकी नहीं हुई थी, लेकिन क्रिया योग में वो दीक्षित हो गए थे लाइडी महाशय की तरफ से। तो 1894 की जनवरी की बात है, जब प्रयागराज में कुंभ मेला भरा था और युक्तेश्वर गिरी जी उस मेले में गए थे, तो वहाँ उन्होंने तरह तरह के साधुओं को देखा। तो ज़्यादातर साधु जो थे वो सब भिक्षा मांग रहे थे, तो उनके मन में एक विचार आया, यार ये इस तरह लोग साधु होकर भी सिर्फ इनका पूरा जो ध्यान है सिर्फ भिक्षा की तरफ है, कैसे न कैसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, पैसा मिल जाए, अन्न मिल जाए और व्यवस्थाएं मिल जाए, कुल मिला के मुझे दान दक्षिणा मिले, सारा ध्यान ही भिक्षा के ऊपर है, साधु होकर भी सिर्फ सारा ध्यान भिक्षा पे है। इन लोगों से तो कई गुना अच्छे वो लोग हैं, वो वैज्ञानिक है, पाश्चात्य के, जो विज्ञान के अंदर
कुछ ना कुछ आविष्कार करके, कुछ ना कुछ करके वो समाज का और मानव जाति का कल्याण तो कर रहे हैं। इन लोगों से तो कई गुना अच्छे वो वैज्ञानिक है। उनके मन में इस तरह के विचार आने लगे और वो बड़ी खिन्नता को उपलब्ध हो गए। लेकिन वो जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि यार मुझे तो अभी तक कोई दिव्य साधु के दर्शन नहीं हुए। और ऐसे वो आगे बढ़ते गए मेले में, और फिर बाद में क्या हुआ बहुत अद्भुत हुआ। इन सब चलते विचारों के बीच में जब वो कुंभ मेले में घूम रहे थे तो अचानक उनके विचारों में बाधा पड़ गई, जब एक युवा सन्यासी लंबे कद का उनके पास आया और बोला कि आपको संत उधर बुला रहे हैं। जैसे ही वो युवा सन्यासी उनके पास आए युक्तेश्वर गिरी जी के, तो फिर युक्तेश्वर गिरी जी उनके साथ साथ गए। फिर वो एक बहुत बड़े वृक्ष की छाया के नीचे पहुंचे, जहां पर अद्भुत शिष्यों की मंडली बैठी थी और जिसके बीच में एक तेजोमय मूर्ति बैठी थी। और मित्रों, उस बड़े से वृक्ष की शीतल छाया के नीचे एक अलौकिक तेजोमय मूर्ति बैठी थी, जिसको कुछ शिष्य घेर के बैठे थे और वहाँ प्रवचन चल रहे थे। तो जैसे ही युक्तेश्वर गिरी जी की नज़र उन पर पड़ी, उनको एकदम से कुछ एहसास हुआ अद्भुत सा, और वो बाबा जी जो संत थे वो खड़े हो गए अपनी जगह से, और बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत करके उन्होंने कहा आइए स्वामी जी आइए, और उन्होंने उनको गले से लगा लिया, एकदम आलिंगन कर लिया। और जब उन्होंने कहा ना कि आइए स्वामी जी स्वागत है आपका, तो युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा कि मैं अभी स्वामी बना नहीं हूँ, मेरी संन्यास दीक्षा नहीं हुई है। तो फिर उन संत ने कहा कि मैं ईश्वर की प्रेरणा से जिसे स्वामी की उपाधि दे देता हूँ, वो चाहकर भी कभी उस उपाधि का त्याग नहीं कर पाता, तो आप स्वामी हैं। जब अत्यंत सरल भाव से उस संत ने ये बातें कही, जिसमें कि बहुत ही गहरा सत्य ध्वनित हो रहा था, तो युक्तेश्वर गिरी जी चौंक गए और वहाँ बैठ गए उनके पास। और उस शिष्य मंडली के बीच में उस संत के सामने बैठने के बाद वो आध्यात्मिक लहरों के हिलोरों में डोलने लगे। बड़ा ही आनंद उनको आने लगा, और क्यों, क्योंकि वो महावतार बाबा से मिले, उनको पता भी नहीं था। मित्रों, उस वक्त तक युक्तेश्वर गिरी जी को ये पता नहीं था कि वो महावतार बाबा से मिले हैं। वो जो सामने संत हैं वो और कोई नहीं, महावतार बाबा हैं। मित्रों, इस भेंट से जो युक्तेश्वर गिरी जी को तत्क्षण आध्यात्मिक अनुभव हुआ, तो मित्रों इसके बाद वो नर देहधारी महान देवता स्वरूप आत्मा के चरणों में साष्टांग दंडवत लेट गए। उनको प्रणाम किया उन्होंने, युक्तेश्वर गिरी जी ने, और उनके मन में ये विचार आ गया कि ये तो हो ना हो बाबा जी ही हैं, क्योंकि उनका चेहरा जो है उनके गुरुदेव लाहिड़ी महाशय से मिलता जुलता था। लेकिन मावतार बाबा के पास एक ऐसी शक्ति थी कि जिससे वो चाहें तो किसी के भी मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक सकते हैं। तो युक्तेश्वर गिरी जी के मन में ये विचार आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये बाबा जी तो नहीं है, लेकिन उस विचार को मृत्युंजय बाबा ने अपनी शक्ति से रोक दिया कि वो ये ना समझें कि वो बाबा जी हैं। समझ रहे हो आप? तो मित्रों, इसके बाद मृत्युंजय बाबा ने युक्तेश्वर गिरी जी से पूछा कि स्वामी जी आपका कुंभ मेले के बारे में क्या विचार है? तो युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा कि मुझे बड़ी निराशा हुई, लेकिन आपसे मिलने से पहले पहले ही निराशा थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे निराशा इसलिए हुई क्योंकि ज़्यादातर संत जो है सिर्फ कोलाहल है, या बहुत ज़्यादातर साधुओं का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं भिक्षा लेने के ऊपर है, अच्छी से अच्छी भिक्षा मुझे मिल जाए इस बात पर उन सबका ध्यान है, इस बात से मुझे बड़ी निराशा हुई। मित्रों, ये बात जब युक्तेश्वर गिरी जी ने बाबा जी के सामने रखी तो बाबा जी ने क्या कहा वो बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद उत्तर में महावतार बाबा ने कहा कि अनेक लोगों के दोष के कारण तुम सभी लोगों को दोषी मत मानो। इस जगत में हर चीज मिश्रित रूप में है, चींटी की तरह बुद्धिमान बनो, जो शक्कर और रेत के मिश्रण में से सिर्फ शक्कर को उठाती है, ध्यान पूर्वक शक्कर को चुन लेती है और बाकी रेत को छोड़ देती है। मैं मानता हूँ कि अभी भी बहुत से साधु इस मेले में माया में ही भटक रहे हैं, लेकिन बहुत से ईश्वर साक्षात्कारी संतों ने इसे पावन भी किया है। मित्रों, कुंभ मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके अंदर हर 12 साल में जब वो भरता है तो बहुत से ऐसे संत, बहुत से ऐसे तपस्वी उस वक्त वहाँ प्रकट होते हैं और इस संसार के नर नारियों को दर्शन देते हैं, उनको आशीर्वाद लाभ देते हैं। बाकी वो कभी बाहर इस संसार में नहीं आते, इस मतलब जिसमें हम रहते हैं इस दुनियादारी के बीच में, वो सिर्फ 12 साल में एक बार आते हैं उस कुंभ मेले में। तो कुंभ मेला जब भी भरे बिल्कुल जाना चाहिए, हर 12 साल में एक बार भरता है महाकुंभ, उसमें अवश्य जाना चाहिए। मित्रों, मैं अपने जीवन में अभी तक एक बार भी कुंभ में नहीं गया हूँ, लेकिन इस बार जब भी वो आएगा, अगर ईश्वर की मर्जी हुई और हम रहे तब तक, तो बिल्कुल हम उसमें जाएंगे और सन्यासियों साधुओं के दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे। फिर इसके बाद उनकी बातें होने लगी तो युक्तेश्वर गिरी जी ने अपने विचार रखे कि महाराज, मैं सुदूर अमेरिका और यूरोप में रहने वाले प्रमुख पाश्चात्य वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा हूँ, जो यहाँ मौजूद इन साधुओं से कहीं अधिक बुद्धिमान है। वह अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं,
लेकिन फिर भी वो इस तरह के मेलों के वास्तविक महत्व से अनभिज्ञ हैं, और यही वो लोग हैं जिन्हें भारत के सिद्ध पुरुषों से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। ऐसा युक्तेश्वर गिरी जी ने उनके सामने अपना विचार रखा। परंतु बौद्धिक रूप से अत्यंत उन्नत होने के बावजूद पाश्चात्य लोग अत्यधिक भौतिकवाद में डूबे हुए हैं, और अन्य कुछ ऐसे भी हैं जो विज्ञान और दर्शन शास्त्र में बहुत विख्यात, परंतु वो धर्म की मूलभूत एकता को नहीं जानते, और उनके धर्म ऐसी दुर्लभ बाधाएं बन चुके हैं जो उनको सदा के लिए हमसे अलग कर सकते हैं, यानी कि पाश्चात्य को पूर्व से अलग कर सकते हैं। मित्रों, युक्तेश्वर गिरी जी के इस तरह के विचार सुन के बाबा जी के मुखमंडल पर अत्यंत प्रसन्नता आ गई, और उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि तुम्हें पश्चिम और पूर्व में समान रुचि है। समस्त मानव जाति के लिए व्याकुल होने वाली तुम्हारे अंतःकरण की व्यथा को मैंने पहचान लिया है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वे आगे कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम को कर्म और आध्यात्मिकता से मिलकर बना सुवर्ण मध्य मार्ग स्थापित करना ही होगा। उन्होंने आगे कहा कि भौतिक विकास में पाश्चात्य जगत से भारत को बहुत कुछ सीखना है, और बदले में भारत सभी द्वारा अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों का ज्ञान दे सकता है जिनसे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सकता है। ऐसा बाबा जी ने कहा। इसके बाद बाबा जी ने आगे कहा कि आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान में अपनी एक भूमिका निभानी है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि मैं कुछ वर्षों बाद आपके पास एक शिष्य को भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके बाद बाबा जी ने आगे कहा कि वहाँ के अनेक मुमुक्षुओं की ज्ञान पिपासु स्पंदन की बाढ़ मेरी ओर आती रहती है। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग अनेक लोगों को देख रहा हूँ, बस उनको जगाने भर की देर है, जिसमें तुम्हारा वो शिष्य बहुत योगदान देगा जिसे तुम तैयार करोगे। ऐसा बाबा जी ने कहा। किनसे? युक्तेश्वर गिरी जी से। और जिस शिष्य की बात हो रही वो कौन है? मित्रों, ये जो शिष्य है वो और कोई नहीं, वो योगानंद जी है, जिनके लिए महावतार बाबा युक्तेश्वर गिरी जी से कह रहे हैं कि भविष्य में एक शिष्य मैं तुम्हारे पास भेजूंगा जिसको तुम तैयार करोगे, योग में प्रशिक्षित करोगे, और जो विदेश जाएगा, अमेरिका जाएगा, यूरोप जाएगा, और वहाँ बहुत सी आत्माओं को जगाएगा जो संत बनने के लिए तैयार बैठी है, बस उनको कोई चोट की जरूरत है, कोई चोट करने वाला चाहिए, और वो चोट करने वाला तुम तैयार करोगे, और इसीलिए तुम यहाँ आए हो। हमारी ये मुलाकात भी इसीलिए हुई।